सर्वप्रथम हमने सह अस्तित्व अध्याय को पढ़ा, क्योंकि हम सभी को यह सूचना है कि मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद यह विकल्प है और वंदनीय बाबा जी को यह विकल्प उन्हीं को अनुसंधान प्रक्रिया में स्पष्ट हुआ कि अनुसंधान कैसे होता है और उन्हीं को जो प्रक्रिया सूझी उस प्रक्रिया से सीधे सीधे सह अस्तित्व उनको स्पष्ट हुआ और जो सह अस्तित्व अध्याय में स्पष्ट हुआ उनकी अनुभूतियां उन्होंने सीधे सीधे हमें यहां पर उद्धृत किए है, उनका मार्गदर्शन भी किया है, स्पष्टीकरण किया है, विश्लेषण किया है, जहां जहां आवश्यक है वहां परिभाषित किया है और जीने के लिए स्वयं जीते हुए प्रमाण प्रस्तुत करते हुए हम जैसे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया, हमारे लिए उन्होंने कृपा की और आज जो स्थितियां हम सभी में देख रहे हैं ये उसी का फलन है। तो प्रथम अध्याय में सीधे सीधे सह अस्तित्व जैसे स्पष्ट हुआ वैसे वैसे अनुभूतियां यहां पर लिखी हुई हैं। बस एक लाइन में पढ़ के सुनाता हूं, आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता और साथ में नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध ये कैसा है उसका वर्णन उन्होंने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया। एक और पढ़ लेते हैं। व्यापक सत्ता में जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संतृप्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व। अब इस सह अस्तित्व में कृतज्ञता को व्यक्त किया है। बस मैं पढ़ देता हूं, अर्थ स्वतः स्पष्ट होता रहेगा। मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूं जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित हैं। भाई और बहनों, सह अस्तित्व अनुसंधान से स्पष्ट हुआ और इस स्पष्टता के क्रम में जहां से भी उन्नति और प्रगति के लिए प्रेरणाएं आई वो सुपथ का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखा, उन सभी के लिए यह कृतज्ञता बाबा जी ने व्यक्त किया है। तीसरा अध्याय है सृष्टि दर्शन। अब ये सह अस्तित्व का विश्लेषण प्रारंभ है कि ये जो सृष्टि है इस सृष्टि को समझने का आदिकाल से प्रयास किया है, इन सृष्टि के जो मार्मिक स्थलियां हैं जिससे ये सृष्टि दर्शन हमको स्पष्ट होता है वो सारी मार्मिक स्थलियां बाबा जी ने हमको यहां पर वर्णन करके बताई हुई, जिसमें चार अवस्थाएं हैं, उसमें पद है, इन अवस्थाओं का अंत संबंध है, यह सृष्टि दर्शन में स्पष्ट किया है। आप सभी ने पढ़ा होगा इसमें किरण विकिरण जैसी चमत्कृत करने वाली जो प्रकृति की विशिष्टता है और जिस कारण ये प्रकृति का ताना बाना एक व्यवस्था के रूप में हम सभी लोगों के सामने प्रत्यक्ष है, आज भी प्रत्यक्ष है, यह सब स्पष्ट हो रहा है। एक अंतिम लाइन में इसमें कह के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जो हमारे लिए सोचने का मुद्दा इसमें उदाहरण के लिए है कि पदार्थावस्था धनश्रम बराबर प्राणावस्था, प्राणावस्था धनश्रम बराबर जीवावस्था, जीवावस्था धनश्रम बराबर ब्रह्मिज्ञानावस्था, ब्रह्मिज्ञानावस्था धनश्रम बराबर विश्राम अर्थात सह अस्तित्व में अनुभूति। इसका विश्लेषण सब में हुआ ही है तो सृष्टि दर्शन में अगला जो पड़ाव आता है वह है मानव सहज प्रयोजन। इस सृष्टि में मैं अपने को भी पाता हूं, मैं मानव हूं यह भी सृष्टि दर्शन में दिखता है, मैं हूं तो फिर मेरा प्रयोजन क्या है। तो अध्याय 4 में मानव सहज प्रयोजन
को विश्लेषित किया हुआ है। तो पुनः एक बार सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में कृतज्ञता, इस कृतज्ञता के साथ सृष्टि दर्शन का विश्लेषण और इस सृष्टि दर्शन में मानव के होने का प्रयोजन का विश्लेषण एक अनुभूति पढ़ते हैं। विश्राम के लिए ही इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास एवं प्रयोग में व्यस्त है। ये विश्लेषण स्वतः ही सबके सामने आता होगा। आगे का आगे के अध्याय में सृष्टि दर्शन के साथ अध्याय 5 में निर्भ्रमता ही विश्राम, मानव सहज प्रयोजन स्पष्ट हो गया। अब इस प्रयोजन को निर्भ्रमता ही विश्राम के साथ, निर्भ्रमता क्या है इस पर हमें विश्लेषण किया है। अशेष मानव विश्राम की आशा और प्रतीक्षा में है, समाधान की ओर विश्राम तथा समस्या की ओर श्रम का अनुभव है। इस तरह से सफलता केवल निर्भ्रम अथवा निर्भ्रांत अवस्था में ही है, इस बात का ध्यान आकर्षण किया है। तो इस तरह से मानव सहज प्रयोजन स्पष्ट हुआ, क्यों जीना है, कैसे जीना है उसका समाधान है, और इसके साथ हम कैसे निर्भ्रमता को पहचान सकते हैं इस आधार पर उसका ध्यान आकर्षण है। अध्याय 6 में कर्म एवं फल, इसकी जिज्ञासा है कि कर्म क्या है और फल क्या है। तो सहअस्तित्ववादी नजरिए से कर्म और फलों का भी विश्लेषण है। कल काफी अच्छा सा विश्लेषण सुनीता भाभी ने प्रस्तुत किया है, आप सबका उस पर ध्यान गया ही होगा। अब इसमें अध्याय 7 में जहां कर्म और फल के बारे में हमारा मन में जो शंकाएं थी संशय थे दूर हुए, अब मानवीय व्यवहार क्या है, मानवीय व्यवहार पर स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें लौकिक व्यवहार और पारलौकिक व्यवहार पर हम सबका ध्यान गया ही होगा। और आज हम अध्याय 8 में पद एवं पदाधिक, तो पुनः एक बार थोड़ा सा और इसमें कनेक्ट करना चाहता हूं कि सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में कृतज्ञता, सृष्टि दर्शन, मानव सहज प्रयोजन, निर्भ्रमता ही विश्राम, कर्म एवं फल, मानवीय व्यवहार। अब इतना सारा स्पष्टीकरण में स्वाभाविक है पद और पदाधिक के बारे में हमारे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये मानव पद में है तो मानव पद में होने का अर्थ क्या है और पदातीत वास्तविकता क्या है। ये दोनों के बारे में स्पष्ट होने से जो अगला अध्याय है दर्शन, दृश्य और दृष्टि, तो फिर दर्शन क्या है, ये दृश्य क्या है और उसमें मेरी दृष्टि का परिमार्जन या दृष्टि क्या होनी है, इस पर स्पष्टीकरण है। तो अध्याय 1 से 9 में यह दिखता है कि यह जैसा सहअस्तित्व स्पष्ट हुआ है वहां तक बाबा जी हमारा ध्यान दिला रहे हैं, और अध्याय 10 से आगे स्पष्टता से मार्गदर्शन है। अब ये जो हमारा ध्यान गया कि इस तरह से वास्तविकताएं हैं, यह सच्चाई है, इस सच्चाई के साथ जीने के लिए व्याकुल मानव में क्लेश मुक्ति के लिए क्या उपाय योजनाएं हैं, वहां से लेकर 18 तक अध्ययन प्रक्रियाएं, इसमें हमें क्या क्या स्पष्ट होना है, कैसे हमारे आचरण और व्यवहार होने हैं, कैसे हमारे कर्मों का दिशा होना है, ये सबका स्पष्टीकरण हमें 18 तक मिलता है। तो भाई और बहनों, इस कनेक्शन के साथ हम अध्याय 8 का पठन करते हैं। मेरा विनय यह रहेगा कि मैं एक बार पहले पढ़ता हूं अच्छे से, और फिर एक एक दो दो लाइन में जितना मेरा ध्यान गया है इस अध्याय में उनको स्पष्टता हमको बिंदु रूप में आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। आशा करता हूं पिछला 20 मिनट में हम कुछ कनेक्शन बना पाए होंगे और आप सबको जो समय आप दे रहे हैं उसकी एक सार्थकता भी आप सबको स्वीकार हो रही है। अध्याय 8 पद और पदातीत, पद एवं पदातीत के भेद से अर्थ है। पदों का वर्गीकरण अपेक्षाकृत ढंग से रूप गुण स्वभाव धर्म की अवस्था एवं अनुपात के अध्ययन से सिद्ध है, इसलिए पद अनेक
और पदातीत व्यापक है। पद का निर्णय रूप के अनुपात, उसकी अवस्था, स्वभाव तथा उसमें निहित बल और शक्ति से होता है, यही स्थिति गति है। जो किसी पद में नहीं हो या सीमित ना हो, जिसमें ही सभी पद निहित हों या जिसमें उनका समावेश भी हो, उसे पदातीत की संज्ञा है। यह व्यापक सत्ता ही है। आकार, आयतन और घनत्व के भेद से रूप का नाम, गति, भाषा, परिभाषा के भेद से शब्द का तथा उद्भव, विभव एवं प्रलय के भेद से गुण की अवस्था एवं अनुपात है। नियम एवं प्रक्रिया पूर्वक सिद्ध सिद्धि की अर्थ संज्ञा है। आचरण ही नियम है। सर्वत्र प्राप्त साम्य सत्ता में अनुभूति ज्ञान की पदातीत अर्थ संज्ञा है, क्योंकि उसके अस्तित्व का अनुभव है। यह साम्य सत्ता संपूर्ण क्रिया के मूल रूप में है और मानव के द्वारा ज्ञान के रूप में प्राप्त है और स्पष्ट है। सर्वत्र एक ही प्रकार से स्थित होने के कारण साम्य सत्ता की ही व्यापक संज्ञा है। इसलिए पदातीत व्यापक और पद अनेक एवं सीमित है, क्योंकि इकाइयां अनंत हैं। हर इकाई अपने ह्रास या विकास पूर्वक क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार अपने अपने पद में अवस्थित है। पद का निर्णय इकाई के गठन, प्रक्रिया एवं आचरण से होता है। पद भेद से अर्थ भेद, अर्थ भेद से आचरण और व्यवहार भेद, आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद तथा प्रक्रिया भेद से अर्थ भेद है। छह ओर से सीमित पिंड की इकाई तथा ऐसी अनेक इकाई अथवा इकाइयों के समूह को अनंत एवं असीम स्थिति को निरपेक्ष ऊर्जा की संज्ञा है। यही व्यापक सत्ता है। व्यापक निरंतर मानव के द्वारा आनंद के अर्थ में अनुभूत है। सीमित अर्थ से मात्र सुख और दुख भासता है। सुख और दुख का मन वृत्ति में भास, वृत्ति चित्त में आभास होता है। सुख की निरंतरता में चित्त बुद्धि में प्रतीति, आत्मा में अनुभूति होना पाया जाता है, जिसकी निरंतरता होती है। इच्छानुसार द्रवित होने वाले और चेष्टा करने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है, जिनको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधेन्द्रियों के नाम से जाना जाता है। परिणामवादी फल की ओर की गई चेष्टा या प्रयास को अपूर्ण प्रयास एवं अपरिणामवादी फल की ओर अर्थात क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता के अर्थ में की गई चेष्टा का प्रयास को पूर्ण प्रयास संज्ञा है। नित्य एवं शाश्वत सत्ता में सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सहअस्तित्व, सहअस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से
नित्य सत्य शाश्वत सत्य बोध है। आवश्यकता भेद से ही लक्ष्य भेद है, जिसने चैतन्य पक्ष की जागृति पारलौकिक लक्ष्य से मानव जीवन सफल होता है, अन्यथा असफल ही है। विकृत विचार से मूलतः व्यवहारिक व्यवधान तथा सुसंस्कृत संस्कार से व्यवहार सुगमता पाई जाती है। सर्वशुभ। तो भाइयों और बहनों, इस अध्याय में कुल 17 अनुभूतियां हैं। अब इन अनुभूतियों को थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास करता हूं। बिना अधिकार के ये सभी 17 अनुभूतियां विश्लेषित करना एक नारिश्य है, पर जीने की प्रेरणा इससे मिलती है। इन अनुभूतियों को पढ़ने से इन शब्दों के जो अर्थ है, जितनी अपनी पात्रता है, जितना योग्यता है, उस आधार पर और जो अपनी शुभ कल्पना है, शुभेच्छा है हमारी मानसिकता में, वो जो बीज है, उस बीज के आधार पर हम एक प्रयास कर सकते हैं कि इन अनुभूतियों का विश्लेषण। तो ये पद और पदातिक, इसके लिए ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस पर मेरा थोड़ा ध्यान चला गया है, इस पर थोड़ा सा बात रखता हूं। कि जैसे अस्तित्व एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था बोध होने के अर्थ में ये पद और पदातिक की अनुभूतियां, इनका विश्लेषण हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे इकाई है तो इकाई का अर्थ भी है और इकाई का पद भी है। तो पद एवं पदातीत के भेद से अर्थ है। यहां ध्यान देना होगा कि पद और पदातीत भेद शब्द का अर्थ है, स्पष्ट होना एक अर्थ है और दूसरा प्रकार। तो कभी भेद स्पष्ट होने के अर्थ में, कभी प्रकार होने के अर्थ में। यहां जो भेद शब्द है वह स्पष्ट होने के अर्थ में है कि पद और पदातीत का भेद हमें स्पष्ट हो। पदों का वर्गीकरण अपेक्षाकृत ढंग से रूप गुण स्वभाव धर्म की अवस्था एवं अनुपात के अध्ययन से सिद्ध है, इसलिए पद अनेक और पदातीत व्यापक है। अब यहां ध्यान जाता है कि ये जो पद है, इन पदों का वर्गीकरण किस आधार पर है। मानव ने अस्तित्व को समझने का प्रयास किया और अस्तित्व एक व्यवस्था में 4 पदों का उल्लेख आया है। तो ये 4 पद प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद। ये जो वर्गीकरण है, यह वर्गीकरण अपेक्षाकृत धर्म यानी रूप गुण स्वभाव धर्म की अवस्था एवं अनुपात के अध्ययन से सिद्ध है, इसलिए पद अनेक और पदातीत व्यापक है। पद का निर्णय रूप के अनुपात, उसकी अवस्था, उसमें निहित बल और सापेक्ष शक्ति से है, यही स्थिति गति है। तो अस्तित्व में हर इकाई की स्थिति गति है। अब यहां जो निहित बल और शक्तियां हैं, उसको हम इसके पूर्व में जो सूचनाएं हमको मिली हैं, सापेक्ष शक्तियों से इकाइयों का जो स्थिति गति है उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। तो जो इकाई का जो पद का निर्णय है वो इस तरह से रूप का जो अनुपात है। अब यहां जो रूप का अनुपात है उसमें अस्तित्व की पुनः मूल सूचना कि अस्तित्व रूपात्मक है और अरूपात्मक। तो रूपात्मक अस्तित्व इकाइयां हैं और अरूपात्मक अस्तित्व व्यापक सत्ता है। इस अर्थ में जो इकाइयों में जो निहित बल और शक्ति है वह उसका रूप के अनुपात के अर्थ में है। फिर अगली है, जो किसी पद में नहीं हो या सीमित ना हो, जिसमें सभी पद निहित हो, जिसमें उनका समावेश भी हो, उसे पदातीत की संज्ञा है, यह व्यापक सत्ता है।
अब यह पदों की पहचानने के अर्थ में यह अनुभूति हमारा ध्यान दिलाती है कि सभी पद पदार्थिक व्यापक सत्ता में डूबे हैं, भीगे हैं, गिरे हैं। तो पद है जरूर, पद के बारे में हम लोगों की मानसिकता में विशेष करके जब हम मानवीय व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो हम सबको ये पदों का बारे में अच्छे से अब ध्यान चला गया होगा। एक पद भय भी आया है, भयों में एक पद का भय भी है। तो कितने प्रकार के पद सृजित होते हैं, कितने प्रकार के मूल पद हैं, और ये सारे मूल पद व्यापक सत्ता में हैं, इसलिए ये पदों को हम एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तो पदों की पहचानने का आधार पदातीत व्यापक सत्ता, और इस सत्ता में हम ये पदों का वर्गीकरण भी पहचानते हैं, और हम किस पद में हैं इसका हमको भलीभांति आकलन भी होता है। किस पद में हमें जाना है, उसकी उसकी गति क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, यह भी इस अनुभूति से हमको धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। आकार, अब थोड़ा डिटेल, आकार आयतन घनत्व के भेद से रूप का, नाद गति भाषा परिभाषा के भेद से शब्द का, यहां पर रूप और गुण का विश्लेषण किया हुआ है। उद्भव विभव एवं प्रलय के भेद से गुण की अवस्था एवं अनुपात। तो रूप और गुण की जो अवस्था है वह कल जैसे स्पष्ट किया था, बड़ा अच्छा है चार्ट हमारे सुरेंद्र भाई ने बनाए हैं, उन चार्ट पर एक बार नजर लगा डाल देंगे। तो उद्भव किसे कह रहे हैं, विभव किसे कह रहे हैं और प्रलय किसे कह रहे हैं। यहां पुनः भेद यानी स्पष्टता और प्रकार से जो गुण जिसे हम परस्परता में प्रभाव कहते हैं, जिस आधार पर यह सारा इकाई अपने अपने पद में व्यक्त है और मानव इकाई जागृति क्रम जागृति की ओर गतिशील होती हुई भी स्पष्ट होती है। आगे नियम एवं प्रक्रिया पूर्वक सिद्ध सिद्धि की अर्थ संज्ञा है, आचरण ही नियम है। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण अनुभूति जैसे आता है कि जो सिद्ध सिद्धि का अर्थ है यानी पद और पदातीत, इस अनुभूति में हमें अर्थ की ओर ध्यान जा रहा है। अब ये अर्थ कैसे होता है, तो अर्थ है नियम और प्रक्रिया की सिद्ध सिद्धि। सिद्ध का मतलब है यहां प्रमाण सिद्ध, अस्तित्व में हर इकाई प्रमाण सहित है इसलिए वो सिद्ध है। अब हमारा ध्यान जा रहा है कि हमें भी प्रमाणित होना है तो फिर हमें भी सिद्ध होना होगा। हमें सिद्ध होना है तो फिर हमें नियम की और प्रक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है। तो ऐसे नियम और प्रक्रिया पूर्वक हम प्रमाण सिद्ध होकर हम अपने अर्थ को प्राप्त करेंगे, यही हमारा मानव पद का अर्थ दिखता है। अब इसमें आचरण ही नियम है, इस जगह पर ध्यान दिया है। तो जो अध्ययन है वो आचरण का है, आचरण का अध्ययन है यानी नियम का अध्ययन है, और ऐसे नियम के अध्ययन के साथ ही प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया से हम सिद्ध सिद्धि की ओर पहुंच सकते हैं यानी हम अपने अर्थ की ओर पहुंच सकते हैं, जो ही हमारा अर्थ को समझना अभिलक्ष्य है। सर्वत्र प्राप्त साम्य सत्ता में अनुभूति ज्ञान की पदातीत अर्थ संज्ञा है, क्योंकि उसके अस्तित्व का अनुभव है। ये एक अनुभूति है जो हमें अनुभव सिद्ध व्यक्ति से आ रही है, इसलिए अभी तो मैं इसको मान रहा हूं क्योंकि इसका अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर जो इसके पूर्व की पद का वर्गीकरण, पदों को समझना, रूप गुण स्वभाव धर्म को समझना, इसका आधार यह साम्य सत्ता जो कि क्रिया के मूल रूप में है और मानव के द्वारा ज्ञान रूप में प्राप्त है, यह स्पष्ट है। तो मानव में जो ज्ञान है उस ज्ञान की ओर यह अनुभूति हमारा ध्यान दिलाती है। सर्वत्र एक ही प्रकार से स्थित होने के कारण साम्य सत्ता की ही व्यापक संज्ञा है। ये पुनः एक बार कि ये पद और पदातीत के अर्थ में जो सर्वत्र एक प्रकार से स्थित है उसके कारण साम्य सत्ता ही व्यापक संज्ञा है, इसलिए पदातीत व्यापक और पद अनेक एवं सीमित है, क्योंकि इकाइयां उन्हें एक बार ध्यान दिलाया है। सर्वत्र एक साथ वर्तमान व्यापक और उसमें इकाइयां अनेक है और ये इकाइयां पद सहित हैं, यह ध्यान दिलाया है।
अगला महत्वपूर्ण अनुभूति है, शायद थोड़ा सा ध्यान चला जाए। हर इकाई अपने ह्रास या विकास पूर्वक क्षमता, योग्यता, पात्रता के अनुसार अपने अपने पद में अवस्थित है। ये ध्यान देने लायक इकाई, ये अनुभूति है। हर इकाई अपने ह्रास या विकास पूर्वक क्षमता, योग्यता और पात्रता के अनुसार अपने अपने पद में अवस्थित है। यहां पर पद चक्र पर ध्यान चला जाता है कि प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य। अब आगे हमारे लिए लक्ष्य है कि हम देव पद और दिव्य पद, ये लक्ष्य मानव चेतना के धरातल पर। अब इस लक्ष्य की ओर हम कैसे गतित हो सकते हैं, उस अर्थ में अगला अनुभूति दिया है। पद का निर्णय इकाई के गठन, प्रक्रिया एवं आचरण से होता है। यहां पर मैं दो तीन विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि ये जो निर्णय है, इस निर्णय में कारण गुण गणितात्मक तथ्यों की हमें जानकारी होना है। कोई घटना घटता है तो उसका कारण है, परस्परता में प्रभाव गुण है और मात्रा गणित है। इस तरह से कारण गुण गणितात्मक तथ्यों की जानकारी से हम मानव पदों का निर्णय, गठन, प्रक्रिया एवं आचरण, इसकी स्पष्टता से हम अपने पद का निर्णय हम कर सकते हैं कि हम किस पद में हैं। ज्ञान अवस्था के पद में हैं तो ज्ञान अवस्था के पद में होने का अर्थ क्या है और इसका निर्णय हम कैसे कर सकते हैं, यह अनुभूति से हमें यहां स्पष्ट होता है। फिर दिया हुआ इस अनुभूति में पद भेद से अर्थ भेद, अर्थ भेद से आचरण और व्यवहार भेद। पद को हम पुनः स्थिति गति से देख सकते हैं, जैसे ऊपर वाला अनुभूति है स्थिति गति, उसमें जो निहित बल शक्ति है वहां पर दे सकते हैं। पद का निर्णय के लिए जो रूप के अनुपात, उसकी अवस्था, यहां पर हमारा ध्यान जाता है। उस भेद से अर्थ भेद, यानी अर्थ क्या है भाई, इकाई का जो प्रमाण आ रहा है वही उसका अर्थ है, तो पद भी है और उसका प्रमाण भी है। इस रूप में ये हमको प्रकार से भी और स्पष्टता से भी पद भेद से अर्थ भेद मिलता है। इस तरह से अस्तित्व में जो व्यवस्था है वह व्यवस्था हमारे लिए स्पष्ट होने लगती है। अर्थ भेद से आचरण और व्यवहार भेद, जैसा जिसमें अर्थ है वैसा उसका आचरण और व्यवहार भी हमें स्पष्ट होने लगता है। आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद और प्रक्रिया भेद से पुनः अर्थ भेद है। तो जो मेरा थोड़ा सा ध्यान चला गया कि पद और पदातीत के अध्याय में जो अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों से हमें अर्थ भेद होना है। सरल यदि मैं कहूं तो चार अवस्थाएं हैं, उन चार अवस्थाओं का अंतर संबंध स्पष्ट होना है। जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। तो पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था में अंतर क्या है, कैसे समझ में आता है कि ये पदार्थ अवस्था की इकाई है ये प्राण अवस्था की इकाई, प्राण अवस्था और जीव अवस्था इनमें क्या अंतर है, कैसे समझ में आता है ये प्राण अवस्था की इकाई है ये जीव अवस्था की इकाई है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था इसमें अंतर संबंध और कैसे हमको स्पष्ट होता है कि ये जीव अवस्था की इकाई है और ये ज्ञान अवस्था की इकाई है। तो इस रूप में एक अनुभूति उसके पहले गई है कि ज्ञान अवस्था की इकाई में इसके पूर्व के अवस्थाओं के सभी स्वभाव, गुण स्वभाव इसमें शामिल है, लेकिन गुण स्वभाव शामिल होते हुए भी ज्ञान अवस्था से उससे अधिक कुछ है। ये जो अधिक क्या है, ये अधिक पर यदि हमारा ध्यान चला जाए तब इस वजह से हमें पद भेद से अर्थ भेद, यानी कि मैं मानव हूं
तो मानव होने का अर्थ भेद यानी मुझको स्पष्ट हो जाए। और यहाँ जैसे बाबा जी ने हमको विश्लेषित किया है कि मानव पद, देव पद और दिव्य पद, दिव्य पद हमारा गंतव्य है, तो भ्रांति पद से निकलकर जिसके लिए संक्रमण प्रणाली दिया हुआ है वो अस्तित्व में ही नियम है, ऐसे संक्रमणों से गुजरकर हम कैसे भ्रांति पद से मानव पद, मानव पद से देव पद और देव पद से दिव्य पद, तो जीने के अर्थ में हम इन पद भेद से अर्थ भेद को, अर्थ भेद से आचरण और व्यवहार भेद, आचरण और व्यवहार भेद से प्रक्रिया भेद तथा प्रक्रिया भेद से अर्थ भेद। भाइयों बहनों, इन सभी मुद्दों पर हमारा अच्छे से ध्यान, बार बार ध्यान चला जाए, इसके पूर्व के जितने भी विश्लेषण आए हैं इन सभी विश्लेषणों में छोटा छोटा सारांश इन मुद्दों को लेकर आपके मन में बन रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ मुद्दे आगे उत्तरित होंगे, यथावकाश शेष मुद्दे भी उत्तरित होने लगेंगे। और ये भेद स्पष्ट होना ये आवश्यक है जिससे हमें अर्थ बोध होने की प्रक्रिया सुगम होने लगेगी। अब इकाई का डिटेल दिया है, 6 वर्षे सीमित पिंड की इकाई तथा ऐसी ही अनेक इकाई अथवा इकाइयों के समूह को अनंत एवं असीम को निरपेक्ष ऊर्जा संज्ञा है, यही व्यापक सत्ता है। व्यापक निरंतर मानव के द्वारा आनंद के अर्थ में अनुभूत है। तो यहाँ एक ध्यानाकर्षण है कि कैसे हम पहचाने कि व्यापक सत्ता में हमें अनुभूत अनुभूति हुई है। उसका एक लक्षण दिया है कि व्यापक निरंतर मानव के द्वारा आनंद के अर्थ में अनुभूत है। तो मानव के आनंद के मूल में व्यापक सत्ता जो कि पारदर्शी, पारगामी और सर्वत्र एक साथ व्यापक है, इस सत्ता में अनुभूत होना ही जो प्रकटन है मानव के लिए उसको कहते हैं सार्वभौम व्यवस्था। तो इस रूप में आगे कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन में जीने के साथ साथ कैसे व्यापक सत्ता की अनुभूतियां हमें होने की संभावना है उस पर बाबा जी ने ध्यान आकर्षण किया है। अब ये जो अंतिम 5 अनुभूतियां हैं, देखिए ये हमारे अभी के यथास्थिति को पहचानने में और मैं कहाँ हूँ, कहाँ से कहाँ जाना है, इस ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया है। ये अनुभूति मुझको सरल प्रकटन के रूप में स्वीकार हुई है। देखिए इतनी सरल भाषा में हमारा सहज ध्यान दिलाया है। सीमित अर्थ से मात्र सुख और दुख भासता है। उसको लगता है मेरे सही, अभी तो मेरी स्थिति यही कि सुख भी भासता है, दुख भी भासता है। तो सीमित अर्थ से मात्र सुख और दुख भासता है। सुख और दुख का मनोवृत्ति में भास, वृत्ति चित्त में आभास होता है। भाई और बहनों, इतने विश्लेषणों के बाद अब हमको स्पष्ट हो रहा है कि सुख है तो क्यों है, दुख है तो क्यों है, और क्या हम ऐसी स्थिति में रहना चाहेंगे कि ये सुख दुख भासता है और उसका हमें आभास होता है। तो जन्म से ही मानव ने सुख का लक्ष्य चयन किया है। अब ये सुख की निरंतरता के अर्थ में अगला ध्यानाकर्षण है कि सुख की निरंतरता चित्त बुद्धि में प्रतीति, अब सहज रूप में ध्यान हमारा जाता है कि प्रतीति होना ही सुख की निरंतरता का प्रारंभ है। उसके पूर्व हमें स्पष्ट हो जाए कि यही ये सुख है ये दुख है। इस तरह से सुख दुख की स्पष्टता होना और निरंतर सुख कैसे होगा और निरंतर सुख का स्रोत क्या है, उस रूप में यदि हम पद और पदातीत इस अनुभूतियों की बारीकियों को यदि हम पहचानने लगेंगे तो हमें यह स्वीकार होगा कि सुख की निरंतरता में जहां होना है वह चित्त परिवेश है और किसके संयोग में होना है वह बुद्धि है। तो ऐसे चित्त बुद्धि में प्रतीति और आत्मा में अनुभूति होना पाया जाता है जिसकी निरंतरता होती। अब इसमें
इंद्रियों पर ध्यान आकर्षण कैसे किया भाई? तो अब हम मानव हैं तो हम मानव शरीर हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि ये इंद्रियां नियंत्रण में रहें, क्योंकि इंद्रियों के नियंत्रण से ही संवेदनाओं का नियंत्रण है और संवेदनाओं का नियंत्रण से ही संज्ञानीयता के धरातल की ओर हमारा गति होना है। इतना सूचना तो हमें मिल गया है। तब इंद्रियों का पुनः एक बार स्पष्टता किया है, इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले और चेष्टा करने वाले अंग की इंद्रिय संज्ञा है, जिनको शब्द स्पर्श रूप रस और गंधेन्द्रियों के नाम से जाना जाता है। अब यहां स्वतः स्पष्ट है कि इच्छा मैं करता हूं, मेरी इच्छा से ही ये इंद्रियां द्रवित होती हैं। अब इन इंद्रियों का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनीयता के अर्थ में इंद्रियों को पहचानना, यही बाबा जी ने विकल्प के रूप में ये मानव को दिया है कि शरीर का भुलावा नहीं दिया जा सकता, शरीर का साधन के रूप में उपयोग सदुपयोग और प्रयोजनीयता के अर्थ में इंद्रिय नियंत्रण के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों द्वारा जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को संज्ञानीयता के अर्थ में हम गति कर पाना, ये मुझे तो लगता है कि यही इच्छा में आना। यदि आप कुछ एक उदाहरण को और सुनना चाहेंगे तो मैं व्यवहारवादी समाजशास्त्र में प्रथम के अध्याय में 9 प्रकार की इच्छाओं का बाबा जी ने एक वर्णन दिया हुआ है। तो ये 9 प्रकार की इच्छा, इसको एक बार पढ़ लेने से ये जो संवेदनाओं का नियंत्रण कैसे संभव होगा, तो इच्छा में कंटेंट आना, इच्छा में प्रमाणित होने के कंटेंट आने से ये इच्छा अनुसार द्रवित होने वाले और चेष्टा करने वाले इंद्रियों को हम, ये जो संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को हम संज्ञानीयता के अर्थ में संलग्न करने में हम प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे जो इसके पूर्व अनुभूति है सुख की निरंतरता में चित्त बुद्धि में प्रतीति आत्मा में अनुभूति होना पाया जाता है, जिसकी निरंतरता है इसका प्रारंभ होने की संभावना है। अब चूंकि इच्छा है तो इच्छा में हम कुछ पाना चाहते हैं, तब अगला ध्यान गया कि परिणामवादी फल की ओर की गई चेष्टा या प्रयास को अपूर्ण प्रयास, स्वतः स्पष्ट है। परिणामवादी फल हमें सूचना है कि जड़ पर जो प्रयास है वो सारे परिणामवादी, यानी शरीर और शरीर के साथ किया गया समस्त कार्यक्रम सुख की अपेक्षा में इसके साथ फैलाया गया पूरा कार्यक्रम यह अपूर्ण प्रयास कहलाएगा, क्योंकि ये परिणामवादी है, यानी इसमें क्षरण की ये बनाई रहेगा, ये नियम दर्श के साथ। एवं अपरिणामवादी फल की ओर अर्थात क्रिया पूर्णता, इस रूप में यहाँ पर चेतना विकास को ध्यान में लाना, इस सूचना को हम ध्यान में ले आ सकते हैं कि एक ऐसे विकास की बाबा जी ने हमें प्रस्तावना दी है कि जो इरिवर्सिबल है, यानी एक बार मानव चेतना की धरातल मिल जाने से पुनः जीव चेतना की धरातल पर ये आने का इसमें प्रावधान नहीं है, इसी को हम संक्रमण कहते हैं। एक स्थिति से दूसरी उन्नत स्थिति में पहुंचना और पुनः उसी स्थिति में बने रहना, यही ऐसा ही विकास के अर्थ में अपरिणामवादी फल, ऐसा विकसित चेतना संपन्न हम मानव होना चाहते हैं, इस ओर ध्यान देना, और जिसके लिए क्रिया पूर्णता इसकी भी सूचना हम सबके पास है, ही आचरण पूर्णता इसकी भी सूचना हम सबके पास है, इस अर्थ में की गई चेष्टा या प्रयास को पूर्ण संज्ञा कहा है। तो भाई और बहनों, मेरा ध्यान चला जाता है कि चेष्टा और प्रयास ही हमारे पास मौलिक है, इन चेष्टा और प्रयास को दिशा देने की आवश्यकता, इस चेष्टा और प्रयास को लक्ष्य देने की आवश्यकता है कि नहीं? तो ये लक्ष्य दिया हुआ है अपरिणामवादी फल, जिसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा भी कहते हैं। तो ऐसे चेतना विकास मूल्य शिक्षा रूपी शिक्षा और जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, ये दो डिजाइन बाबा जी ने दिए हैं, इनको इंगित करते हुए यदि हम देखेंगे ये जो चेष्टा और प्रयास, ये पूर्ण प्रयास की संज्ञा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा एक मेरा सोचना है। अब ऐसे में जो अंतिम से पूर्व अनुभूति है उसमें एक प्रक्रिया दिया है, नित्य एवं शाश्वत सत्य सत्य प्रतीति,
सत्ता है, यह ध्यान रखते हुए इस सत्ता में सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, तो सत्य क्या है इसकी सूचना हमारे पास होना, सह अस्तित्व सत्य है। यहां अगर विश्लेषण के लिए रखूं तो यह सह अस्तित्व सत्य प्रतीति से सह अस्तित्व बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन मार्मिक है। यह संतुलन एक साधारण उदाहरण से देख सकते हैं, मानव में मानव मानव परस्परता में संतुलन, हम परिवार में जीते हैं परिवार में संतुलन, हम समाज में जीते हैं समाज में संतुलन, प्रकृति में स्वयं संतुलन है ही। इस संतुलन के आधार पर हम अपनी जीवन शैलियों को सजाते हैं, तो उस रूप में एक संतुलन हमको व्यवहारिक धरातल पर चित्रित होने की संभावना है, जिसकी कामना हमें शुभकामनाओं के रूप में हमने की है या हमारे में होती है। पर यह सफल के उसके लिए नित्य एवं शाश्वत सत्ता में सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण स्वाभाविक है, संतुलन से स्फुरण है, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सहअस्तित्व, सहअस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध है। तो ये गहराई से इन अनुभूतियों को बारंबार बारंबार विश्लेषित करके ये हमारे में स्थिर होना, तो जो समझकर जीने में जो हमारा समझ की अवधारणा है, ये अवधारणा के लिए ये अनुभूति हमारे लिए प्रेरणादायी ध्यान आकर्षण करने वाली है। अब जो अंतिम अनुभूति है, उस अनुभूति ने मेरा ध्यान दिया कि यह मानो ऐसे जागृत व्यक्ति हमसे पूछ रहा है, आवश्यकता है कि 16 अनुभूति हमने सुनी, उन्हें एक बार हमारा ध्यान दिलाया है कि ये सब की आवश्यकता है कि नहीं, तब ध्यान दिलाया आवश्यकता भेद से ही लक्ष्य भेद है। यदि मेरी आवश्यकता है और ये आवश्यकता मुझको स्पष्ट होती है, इस रूप में मुझे लक्ष्य भी स्पष्ट होता है, जिसमें चैतन्य पक्ष की जागृति पारलौकिक लक्ष्य से मानव जीवन सफल होता है, यह ध्यान दिलाया है। अब पारलौकिक यानी इंद्रियातीत अनुभव, यह सारा पारलौकिक कहलाता है, अन्यथा असफल ही है। विकृत विचार से मूलतः व्यवहारिक व्यवधान तथा सुसंस्कृत संस्कार से व्यवहार सुगमता पाई जाती है। तो एक छोटा सा अभ्यास भी मुझको इसमें ध्यान चला जाता है कि विकृत विचार से व्यवहारिक व्यवधान होते हैं, और ऐसा व्यवहारिक व्यवधान से रास्ते बंद होते हैं या सिकुड़े होते हैं, मार्ग प्रशस्त होना हो जागृति का या लक्ष्य का, तो सुसंस्कृत संस्कार होना जिससे कि व्यवहार सुगमता मानव मानव में होकर और ये पद और पदातिक अनुभूति से हम सिद्ध होकर आगे दर्शन दृश्य और दृष्टि ये कैसा सजा हुआ है इसकी ओर अपन ध्यान कर सकते हैं। तो लगभग 1 घंटा पूरा हो रहा है जितना मेरा छोटा सा प्रस्तुति था। एवं शाश्वत सत्ता में सत्य प्रतीति, सत्य प्रतीति से सत्य बोध व अनुभूति, सत्य बोध व अनुभूति से संतुलन, संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, समाधान से व्यवहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि से सहअस्तित्व, सहअस्तित्व से स्वर्गीयता, स्वर्गीयता से निर्विरोध भाव तथा निर्विरोध भाव से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध है। इस अनुभूति को हम कैसे समझ सकते, ठीक है भैया? इसके लिए हम परिभाषा संहिता से आपके पास होगा ही, संतुलन और स्फुरण इसकी परिभाषा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आज हम इन सूचनाओं को
मेरा आपसे विनय है कि एक बार स्वयं प्रयास करके देखें और जो जो आपको स्पष्ट होता है उसको वापस हम लोगों को बताइए। हम आप मिलकर इस जो स्पष्टता है जो कि महत्वपूर्ण है कि मानव की स्थिति गति और जीवन की स्थिति गति, इसमें हम कैसे हमारे लक्ष्य पूर्णता के अर्थ में प्रवृत्ति, निष्ठा और प्रमाण इन मुद्दों को हमको स्वयं में स्पष्ट होना है। जैसे पूर्णता, प्रवृत्ति, निष्ठा, इन मुद्दों को हम जोड़ के देखते हैं तो संतुलन का अनुमान हमारे में होने लगता है। तो सहित व्यवस्था, सहज निरंतरता व परंपरा, इस अनुभूति में बोध व अनुभूति से संतुलन की अनुभूत मानव इकाई में तो सहित व्यवस्था, सहज निरंतरता, इस रूप में पूरे जीवन में संतुलन हुआ यह कह सकते। अगली सूची स्वयं का प्रकाशन। अब यहां स्वभाव गति के बारे में और प्रकाशन के बारे में स्पष्टता होना। स्वत्व का सदुपयोग, सुरक्षात्मक क्रिया और उपयोगिता पूरकता। अब इसे मानव की स्थिति गति, जीवन की स्थिति गति, ये हमारा स्पष्टीकरण का एक टॉपिक है जिसको हम विश्लेषण पूर्वक हमें समझना है। अब इसी के साथ साथ स्फुरण की परिभाषा और आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो जैसे संतुलन पूरे जीवन में हो गया वैसे स्फुरण भी पूरे जीवन में हुआ। जैसे ज्ञान विज्ञान विवेक पूर्वक निश्चयन सहित समाधान सहित किया गया कार्य व्यवहार पर विकास के लिए प्राप्त प्रेरणा, अनुभव प्रमाण बोध संकल्प चिंतन पूर्वक प्रमाणित करने के अर्थ में संतुलन और संतुलन से स्फुरण, स्फुरण से जागृति, जागृति से समाधान, ये हम कनेक्ट कर सकते हैं जीवन की स्थिति गति और मानव की स्थिति गति। विश्लेषण थोड़ा सा तो मानव अवस्थाओं को देखते हैं और जीवन की स्थिति गति को देखते हैं तो इन दोनों में हम कैसा स्वरूप हमारा बन सकता है जागृति के लिए देखिए। मानव अवस्था गर्भावस्था, शिशु अवस्था, कौमार्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, परिपक्व अवस्था और वृद्धावस्था। इस तरह से पृष्ठ 200 वर्णन, ये वर्णन की सूचना भी हमारे इस विश्लेषण में, शोध रूपी विश्लेषण में उपयुक्त रहे। मानव अवस्थाओं को हम कैसे पहचानते हैं? परिवार समाज संबंध से पहचान, और परिवार समाज संबंध को हम परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की जो योजना बाबा जी ने प्रस्तुत किया है उस योजना में जो पांच आयाम है, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनिमय कोष और न्याय सुरक्षा, ये पांच आयामों में जो निहित कर्तव्य और दायित्व है उनकी स्पष्ट समझ या जानकारी होने से मानव की स्थिति गति का हमें अनुमान हो सकता है। जीवन के स्थिति गति का अनुमान कैसा होगा? तो मैंने दो तीन बिंदु इसमें ध्यान के लिए निकाले हैं। जीवन की स्थिति गति का अनुमान चेतना विकास मूल्य शिक्षा का परिमार्जन, प्रवृत्तियां जीवन में है तो असंग्रह विद्या स्नेह सरलता अभय ये प्रवृत्तियां विकसित होना, दृष्टि विकसित होना,
जीवन में जो आवेश होना, जीवन में स्वभाव गति प्रकट होना, जीवन में विचार होना, और इन विचार के बिंदु हैं नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। यह मानव अवस्था और जीवन की अवस्था इस रूप में हम बस अभी काफी प्रारंभिक कुछ ध्यान हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं भैया आपके सवाल का, और ये शोध यदि हम सब लोग मिलके कर पाए तो जागृति का रास्ता हम और सुगम हमारे लिए भी कर सकते हैं और अन्यों के लिए भी हमारे लिए। मानव अभ्यास दर्शन के कुछ पृष्ठ आपको पढ़ के सुनाता हूं। इन पृष्ठों में इसका वर्णन है, और जैसे आज का सत्र पूरा होता है यदि आपके पास अभ्यास दर्शन पुस्तक है तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, और ये इनपुट्स थोड़े आपके इसकी अनिवार्यता अध्याय दो है, सभी लोगों के पास पुस्तक पर ये सारी सूचना हम सबके लिए उपयोगी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हम प्रस्तुत करें सभी के लिए। अभ्युदयार्थ किया गया आयास, आकांक्षा और हर्ष सहित किया गया प्रयास अभ्यास है। किया गया बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप अभ्यास है, अर्थात समाधान अभ्यास है। अब इसमें बौद्धिक वाचिक कायिक क्रियाकलाप इसमें जुड़े हैं, तब इसमें हम सहज रूप में पहचान सकते हैं कि बौद्धिक क्रियाकलाप कायिक क्रियाकलाप कहाँ है। जीवन और मानव की स्थिति गति की स्पष्टता के अर्थ में मूल प्रवृत्तियों के परिप्रेक्ष्य पूर्ण व्यवहार ही अभ्यास का प्रधान लक्षण। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति विचार के रूप में, परिवार में आचरण के रूप में, समाज में सम्मति व प्रोत्साहन एवं भागीदारी के रूप में, राष्ट्र में शिक्षा व व्यवस्था एवं अंतरराष्ट्रीय मूल प्रवृत्ति परिस्थिति मानव चेतना के रूप में है। ये पांचों स्थितियां मान रहे भास अभास में सुख और दुख होता है, तो ये दिए हैं जो मानव रूप में हम भोगते हैं। सर्वतोमुखी समाधान ही अभ्युदय है। मानव में सभी चारों आयाम एवं पांचों स्थितियां सर्वतोमुखी है, इन्हीं की एक सूत्रता ही सर्वतोमुखी समाधान है। यही बौद्धिक समाधान एवं बौद्धिक समृद्धि श्रम पूर्वक संपन्न होता है। मानव अभ्युदय पूर्ण होते तक अभ्यास के लिए बाध्य है। अभ्युदय ही मानव की आशा आकांक्षा एवं लक्ष्य है, पाई जाने वाली सत्यता है। इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था नहीं, यही सबका अभिष्ट है। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता मुझे लग रही भैया। कार्य व्यवहार करने का इच्छुक और सत्य वक्ता है ये मानव की स्थितियां, यहाँ पर ध्यान चला जा सकता है। साथ ही वह प्रत्येक कार्य को सही रूप में व्यवहार प्रदान करना चाहता है जो वस्तुगत सत्य है। ये अंत प्रेरणा तो जीवन से आती है और मानव के रूप में न्यायशी व न्याय प्रदायी क्षमता से संपन्न होते तक मानव में सभी स्तरों पर स्थिरता, समाधान, संतुलन एवं संयम नहीं पाया जाता। मानव में उत्पादन, व्यवहार, प्रयोग एवं चिंतन अभ्यास, व्यवहार ही विचार अभ्यास एवं अनुभव चिंतन अभ्यास। अनुभव का अर्थ है जिन अनुभूतियों को हम लोग उनके हमारी कल्पनाशीलता को लगा रहे हैं, और ऐसे अनुभव संयोग के साथ है। विचार के अभाव में उत्पादन व व्यवहार शरीर संपन्न नहीं होता है, होने के लिए चिंतन अभ्यास अनिवार्य है। मानव जागरूक होने के लिए यह क्रम जागृति पूर्णता तक रहता है। कर्माभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र, व्यवहार नियंत्रण को व्यंजित कराने योग्य प्रसारण क्रिया ही शास्त्र है।
प्रसारण की चरितार्थता ही व्यंजनीयता है। जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, इसका विश्लेषण होने पर हमको हमारा एक रास्ता, एक स्वरूप अध्ययन के लिए मिल सकता है। आगे प्रकृति का अनुभव, बोध एवं रूप गुण स्वभाव तथा धर्मात्मक प्रकृति की स्थितिवत्ता में व्यंजित कराने हेतु प्रसारण एवं व्यंजनीयता। आगे अभी जो अध्याय हम पढ़ेंगे उसमें इस व्यंजनीयता को हम अच्छे से विश्लेषित कर सकते हैं। व्यंजनीयता ही भास, आभास एवं प्रतीति है। यह संस्कार एवं अध्ययन का फल है और साथ ही अभ्यास एवं अध्ययन के लिए प्रेरणा एवं गति है। संपूर्ण व्यंजनीयता शब्द व अर्थों को स्थिति गति रूप में स्वीकार करने की क्रिया है। यह संपूर्ण मानव में सार्थक होने वाली स्थिति नित्य समीचीन चैतन्य प्रकृति रूपी भावी है। जब तक संस्कार अमानवीयता की सीमा में संस्कार विकृत की कोटि में संस्कार पूर्ण होता है, जो स्पष्ट है। क्रिया शक्ति में कर्माभ्यास, इच्छा शक्ति में व्यवहाराभ्यास एवं शास्त्राभ्यास तथा ज्ञान शक्ति में चिंतनाभ्यास प्रसिद्ध है। जिस तथ्य को मानव समझ चुका है, समझ रहा है या समझने के लिए बाध्य है, वही प्रसिद्ध है। कर्माभ्यास से प्रतिफल, व्यवहार अभ्यास से सदास्तित्व साक्षात्कार और चिंतनाभ्यास से संस्कार में गुणात्मक परिवर्तन फल का अनुभव है, जो प्रत्यक्ष है। कर्माभ्यास पूर्वक भौतिक समृद्धि, व्यवहार अभ्यास पूर्वक बौद्धिक समाधान एवं चिंतन अभ्यास और अनुभव पूर्वक परमानंद की निरंतरता है। तो भैया, अभ्यास की अनिवार्यता में आप जो पूछ रहे हैं वो मुझे ऐसा इंगित हुआ कि ये जो स्थिति गति, ये हम कैसे पार हो सकते हैं, उसके लिए जो सूचना है और उस सूचना के आधार पर क्रम, उस क्रम को पहचान पाना और उस क्रम के आधार पर हम अपने अभ्यास को पहचान पाना, इस अर्थ में हम जीवन की स्थिति गति और मानव की स्थिति गति में स्फुरण, जागृति, समाधान, व्यवहार शुद्धि, सहअस्तित्व, स्वर्गीयता, निर्विरोध भाव, शाश्वत सत्य बोध होने पर मुझे ध्यान जाता है कि ऐसा होने है और उस परंपरा का खाका में मानवीयता अध्ययन के लिए उपलब्ध होने से नित्य एवं शाश्वत सत्य बोध की संभावना सदैव समीचीन रहती है। इतना ध्यान गया। एक और आपके लिए एक सूत्र प्रस्तुत करके और हम आज अध्याय 9 के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये व्यवहारवादी समाजशास्त्र पुस्तक में पृष्ठ 41 पर है। देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अब इसमें मानव लक्ष्य और जीवन मूल्य का अंतर समझ देखिए कैसा ध्यान जा सकता है। मानव लक्ष्य प्रमाणित होने से जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। पुनः एक बार, मानव लक्ष्य प्रमाणित होने से जीवन मूल्य की प्राप्ति होती है। जीवन मूल्य प्रमाणित होने पर ही मानव मूल्य प्रमाणित होते हैं। तो मानव लक्ष्य है समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। जीवन मूल्य है सुख, शांति, संतोष, आनंद। और मानव मूल्य है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा। तो ये अंतर संबंध से जो आपका प्रश्न है उसका हम विश्लेषण करके इसका एक स्वरूप यदि हम बना पाए तो मैं भी उत्सुक हूं आपके साथ मिलकर इस पर काम करने के। हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। छोटी सी जो प्रस्तुति कल अपेक्षित है संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था में, इस पर कुछ व्यावहारिक उदाहरण। बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपने। हम लोग मूल मुद्दों पर आते हैं। अध्याय 9 का आज हमें पठन करना है और कुछ विश्लेषण भी करना है। कुल 78 अनुभूतियां हैं इस अध्याय में। तो आज मैं सोचता हूं कि हम आधी करते हैं और आधी हम कल सुबह के सत्र में करेंगे। पुनः सभी को नमस्कार जो लेट ज्वाइन किए।
नमस्कार। कंटिन्यू। जैसे आज सुबह मैंने एक छोटा सा मैसेज किया था प्रश्न मुक्ति ग्रुप में कि अध्याय 8 को जो पदातीत एवं पद, इसको एक रिवीजन जैसा हम लोग आज करेंगे और फिर आगे की कड़ियों में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा तर्क शोध, जिसे मैं कह रहा हूं, ये प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि पद एवं पदातीत अध्याय का, इस अध्याय में क्या क्या हमको संप्रेषित हो रहा है और यह संप्रेषणा हमें समझकर जीने के अर्थ में क्या सोच विचार के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। मैं एक बार सारा जो बोर्ड पर लिखा हुआ है ये दोहरा रहा हूं। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, ये हम सबके लिए ये प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव पर हम सहमत हैं और इस प्रस्ताव की जो डिटेल है, इस प्रस्ताव में क्या क्या है, क्या क्या सच्चाइयां हैं, इन सच्चाइयों का वर्णन हम समझने के क्रम में मानव व्यवहार दर्शन इस पुस्तक का पठन करते हैं। ये संस्करण 2015 का है और संदर्भ अध्याय पद एवं पदातीत। तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जिसे मध्यस्थ दर्शन भी कहते हैं, प्रणेता श्री के नागराज, जिस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं उस पुस्तक के लेखक भी श्री के नागराज जी हैं, जिन्हें अनुसंधान पूर्वक और उसे वो जीने के अर्थ में, समझने के अर्थ में यह हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो जैसा कि सूचना है, पदातीत व्यापक पारदर्शी पारगामी है। तो व्यापक होने का अर्थ वर्तमान का आधार, पारदर्शी का अर्थ पहचान का आधार, पारगामी का अर्थ परंपरा का आधार। इतना अभी हम सभी प्रौढ़ लोग इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, वो इन मुद्दों का आशय उनके मानसिकता में चल ही रहा होगा, उसी आधार पर वर्तमान को पहचान रहे होंगे, पहचान को भी पहचान रहे होंगे और परंपरा को भी पहचान रहे होंगे। पर ये सबका जो आधार है वो आधार पदातीत व्यापक पारदर्शी पारगामी है, यह अनुभव में स्पष्ट हुआ। अब इस वर्तमान का आधार ये कैसा है? साम्य रूप। पहचान का आधार सर्वशुभ प्रेरणा जो हमारे में, और पारगामी ज्ञान संप्रेषणा। इस आधार पर मानव को व्यापक साम्य रूप में सर्वशुभ प्रेरणा के अर्थ में और ज्ञान संप्रेषणा के अर्थ में। तो यहां एक ध्यान जाता है कि इसका संबंध और हमारा व्यवहार का है। तो संबंध के अर्थ में इकाई और व्यापक, इकाई इकाई, ऐसे संबंध को हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और संबंध समझ में आने से व्यवहार और कार्य कैसे होंगे, यह भी हमारे लिए समझने की एक बिंदु है। तो जैसे व्यापक वर्तमान का आधार साम्य रूप लक्ष्य पूर्णता के लिए, पारदर्शी पहचान का आधार सर्वशुभ की प्रेरणा और लक्ष्य की पहचान और मूल्य निर्वाह का आधार पारदर्शिता के रूप में स्पष्ट होता है। पारगामी परंपरा का आधार ज्ञान संप्रेषणा, अर्थात एक दूसरे को ज्ञान संप्रेषणा पारगामीयता, और लक्ष्य की पूर्णता का परंपरा में प्रावधान करने के अर्थ में पारगाम्यता। इस तरह से पदातीत
पदातिक, व्यापक, पारदर्शी और प्यारगामी इन तीनों से हमें स्पष्ट होता है। अब चार पद हैं इसकी सूचना हमें है, जिसमें प्राण पद, भ्रांति पद, देव पद और दिव्य पद। तो सुबह एक ब्लॉक डायग्राम भी जो राकेश भैया ने फोटो भेजा था वो भी मैंने भेजा था, तो जिसमें संक्रमण प्राण पद, भ्रांति पद, संक्रमण भ्रांति पद, देव पद संक्रमण, देव पद और दिव्य पद संक्रमण। तो ये जो सारा संक्रमण और पद, ये इसका विश्लेषण मानव अभ्यास दर्शन के पृष्ठ 44 पर दिया है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, देखिए हमारा ध्यान कैसे जा सकता है इस पर। प्रकृति में पाए जाने वाला चक्र त्रय ही व्यवस्था, प्रकृति में पाए जाने वाला चक्र त्रय ही व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। तो ये चक्र त्रय व्यवस्था एवं संक्रमण प्रक्रिया को हमें स्पष्ट करता है। इसी क्रम में मानव भ्रांति पद से देव पद में प्रतिष्ठित होने की संक्रमण प्रणाली में ही उसका अनुसरण करने के लिए बाध्य है। ये महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है हम सब लोगों के लिए कि ये जो पद और पदातिक और उसमें ये पदों का वर्गीकरण और पदातिक के बारे में हमारा ध्यान, ये सबसे आशय क्या संप्रेषित हो रहा है कि अस्तित्व में व्यवस्था है, व्यवस्था बोध होने के क्रम में पदों के वर्गीकरण का अर्थ हमें स्पष्ट होना, जिससे पदों के बारे में जो भ्रम है इस भ्रम का निराकरण होना, और पदातिक व्यापक में यह हमें स्पष्ट होना जहां सभी पदों का समावेश होने का अर्थ है, इस आधार पर ही यह हमें स्पष्ट होता है। इसलिए पदों की समझ होना, पद भय समाप्त होना अर्थात पदों के प्रति अनासक्त होना, पद स्वीकार होना, पद मुक्ति भी स्वीकार करना, यही क्रमिकता है, यह हमको बोध होना, यह व्यवस्था में भागीदारी पूर्वक सामान्य होने के क्रम में यह बोध हमें होना, यहां पर मेरा ध्यान दिया। तो ये सबका आशय है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में इन चारों अवस्थाएं और ये जो चार पद हैं उन पदों में जो चक्र त्रय है उसमें व्यवस्था और जो संक्रमण प्रक्रिया है और इस संक्रमण प्रक्रिया प्रणाली में उसका अनुसरण करना, ये पद और पदातिक अध्याय में एक आशय है हम सबको संप्रेषित होता है। तो इसी आधार पर अब हम अध्याय 9 में हैं, जहां दर्शन, दृश्य और दृष्टि। अब इस तरह का ये दृश्य, यह दृश्य हमें स्पष्ट होना, इस दृश्य में ये अंतर संबंध हमें स्पष्ट होना, वैसे दृश्य को देखने की दृष्टि हमारी विकसित होना, यही योग है। और इस आधार पर हमें समझ में आना, ये दर्शन होना, यह क्रिया हमारे में चालित होना, इस आशय से हम ये जो नवा अध्याय है दर्शन, दृश्य और दृष्टि, कुल इसमें 78 अनुभूतियां हैं। कल हमने 35 अनुभूतियों तक पठन भी किया है और हर जहां संभव है मुझे छोटा छोटा मैंने कुछ उसका जो तर्क कुछ बनते हैं उन तर्कों को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो विगत दिन भर में जो जो मेरा ध्यान गया, आज पुनः हम जो शेष अनुभूतियां हैं उसको हम पठन करते हैं सर्वप्रथम, और उन अनुभूतियों में जहां जहां मुझे लगता है कि इन एक घंटे में ध्यान दे सकते हैं उस पर हम वापस चर्चा शुरू कर सकते हैं। तो सभी को शुभ प्रभात।